ओकर तीर्थ दर्शन पे गेल हमके बिल्कुल पसंद नहीं खे। इतना कम उम्र में ओके काशी दर्शन के लिए जाए के चाही का? ये तीर्थ उ तीर्थ काहे घूमे के बा? चुपचाप अपन परिवार चलाए के चाही ना? कुछ लोग के पूर्व जन्म के कर्म होखेला दीदी, ओके पूरा करही के पड़ी। का कहलू? कर्म? हम समझाई तब्बू ना तू समझबू। तू अपन बेटी से इतना प्यार करेलू ताके कुछ समझ में नहीं ख्यावत। मतलब तू अभी का कहे चाहत रू सुनीता? तीर्थ दर्शन पे गईली सही बा का? हाँ उ लोके गईल सही बा। हमनी से आगे भी कोनो चीज हो खेला दीदी, उसे सवाल ना करे के चाहिए, मन के शांत रखे के तैयारी करे के चाहिए। का तू का कहे चाहत रू? सच? कैसन सच्चाई? केकर सच्चाई? हम कुछ ना जानी ला दीदी, हमसे मत पूछी। लाली बंगारी तीर्थ दर्शन करे गेल बड़ी सही बा, बस इतने समझ ला। तू कौन सच के बात कैलू हा? पहले तू हमके वो बतावा, बात मत घुमावा। सब बात पे रोवा जिद मत करी दीदी। वो सच का बा हम हो जाने चाहता नहीं, हमरा से बात मत छुपावा। दया करके ये बात के ऐजे रह दी। फालतू के बात मन में रख के ज्यादा परेशान मत होखी, समझ गई नीना? मतलब एमे कोनो सच्चाई छुपल बा का? तीर्थ दर्शन करे गेल बिया ओकरा पीछे कोनो कारण बा? घर के सब केहू हमरा से सच में कुछ छुपावत अरे ना? आओ देखो दरवाजा बंद बा, मास्टरनी जी कॉलेज रही कि मंदिर है, स्वर्णपुरी क्षेत्र हो। हाँ बंगारी, हमरा भी इहे लागता, उ पुण्य स्थल इहे बा। हमनी के करा से मंदिर के दरवाजा खोले के कहब? 10 साल से ही बंद बा, हमरा कहले से ही खुल जाई का? पहले हमनी के का भेल रही जानल जरूरी बा। चला हमनी के केहू से पूछब। चला, चला। माँ जी सुनी, ई मंदिर के दरवाजा बंद बा, हम दर्शन कैसे करी? आप लोग गांव में नया बानी का? मंदिर के दरवाजा भी ना खुली, दर्शन भी ना होखी, तब माँ के दर्शन हम कैसे करब? हम खुद यहाँ घी के खाना पका के प्रसाद चढ़ावे नी, बस ऐसा ही ऐजा सेवा होखेला। न मंदिर के दरवाजा खुलेला न दर्शन होखी। दर्शन करे खातिर हम बहुत दूर चक्रपुरी से आयल बानी, अब दर्शन ही ना मिली का? हम का बताई बेटी? बंगारी, तू फालतू में इतना चिंता कह के करतड़ू, और की करा से मंदिर के दरवाजा खुलवावे कॉल जी? ना बंगारी, हमके तो लागता हमनी के काम ना होकी, उ का कहली देखला तू, अब हमनी के का करी बंगारी? अब क्या करे के बा? उ दरवाजा खुलवावे के बाद दर्शन करे के बा, इतने ना? हाँ तू रुको, हम आवतनी। ये पत्थर कहाँ ले आई ला? पहले एक रागे नीचे फेंका। मंदिर के दरवाजा के तुड़े पर ही, तब न तारा के दर्शन करवाई भी। ये मंदिर बात हुआ ऐसे ना कर सकेला। पत्थर क्या करता है लोग? नीचे फेंका। अरे ओ साहिब जी, हम माँ के दर्शन करे खातिर आयल बानी। दर्शन करे आयल बानी तो पत्थर का है? ताला तोड़ के अंदर जाए बा। अरे ओ साहिब जी, हमनी के ओ का ओ इधर पति हुए? हाँ साहिब जी। कहाँ से आयल बानी? चक्रपुरी से आयल बानी। बहुत दूर से आयल बानी, लेकिन यहाँ दर्शन ना मिली, बात तरह क्यों ना बतौलस? बतौले रहले, लेकिन हम माँ के दर्शन करके ही जाए। बिल्कुल संभव नहीं है,
बोटिंग पर रोक लगे बा। दरवाजा ना खुल सकेला, दर्शन कैसे करबू? ऐसन बात मत करी साहेब जी, नया बड़ा लोग ऐसे छोड़ देता नहीं, दर्शन ना होके निकला यहाँ से। ऐसन मत कही साहेब जी, माँ के सेवा करे खातिर आयल बानी, हमनी के निराश मत करी। हम तू लोग के धोखा काहे देब? सबका खाती अलग, तारा खाती अलग नियम रही। माँ के सेवा अगर कल चाहत बाड़ू तो दोनों लोग अपना हाथ से प्रसाद बना के इमर रख के जा। अभी ये सेवा करे के मिली। ललिता तू यहाँ काहे आ गई लू? हमके रउआ से कुछ बात करे के बा। बात घर पर आके ना होइत का? अभी हमके रउआ से एगो बात करे के बा, बस इतने। तोहरा साथे बात करत रहब तो हमार काम कब होई? रउआ हमरा पे गुस्सा काहे करतनी? ठीक बा, का बात करे के बा बोला। सुनीता हमरा से एगो बात कैली। कौन बात कहली वो? रउआ और सुनीता मिलके हमरा से कोनो बात छुपावतनी, उ हमके जाने के बा। कही लाली के अल्पायु के बाद सुनीता इनका सेतना कह देली? सुनी जी, का सोचता नहीं रहुआ? हम रहुए से बात करता नहीं। ना ललिता, तोहरा से छुपावे वाली बात का हो सकेला? देखी देखी देखी, कोनो न कोनो बात जरूर बा, ना तो राउर आवाज इसे ना बदल जाई। बताई ना का बात बा, रउआ सुनीता हमरा से का छुपाओ तनी बताई। अरे ललिता, वो का कली हम तोरा से छुपा रहल बने, तू सोच रहल बाड़ू? का भइल बा तू ठीक से बताओ। सुनी, हम और सुनीता लाली और बंगारी के तीर्थ स्थल पे जाए के बात करत रहनी। हम सुनीता से कहनी, उ लोग गइले ई बात हमके बिल्कुल पसंद नहीं खे। उस समय सुनीता सही सच ना जानत रहली, जो ना जान ले वो हमसे कहली मनमानी बात मत करा। हम अनजाने में उनसे पूछनी कि सच का बा, तो हमके जवाब ना देली, बात बदल देली। ऐसे हम रउआ से पूछे आगिल बानी, आप दोनों के जौन सच्चाई पता बा, हमरो के जाने के हक बा। सुनी, हम रउआ के समझा देनी, अगर रउआ भी ओकरा लेखा बात छुपाई ना तो हम चुप ना रहब। उस सच का बा, बस हम उहे जाने चाहता नहीं। सुनीता का बवाल करे वाली बारी अब? सुनी जी, बात करी ना, हमके जवाब चाही। अरे कौन ऐसा सच्चाई बा जौन तोहरा पता नहीं खे? अरे वो ऐसे ही मजाक में कह देले होखी, तू ऐसे छोट छोट बात के बतंगड़ बनेबू तो कैसे हुई? रउआ बात मत बदली, रउआ दोनों मिलके हमसे कुछ ना कुछ छुपावता नहीं, वो का बा हमके भी जानल जरूरी बा। अरे कुछ नहीं खे ललिता, ऐसा होखे तो हम तोहके जरूर बताई, समझ लू? अभी तू घरे चल जा, बेकार के बात सोच के अपन मन मत खराब करा। जा जा कहनी ना, अगर अभी हो तोरा कोनो शक होई तो घरे आए तो बात कर ली है, ठीक बा? जा अभी, प्रसाद के समय हो गई, अभी तक खाना नहीं खे बनल, जा। बात ना लाली, मंदिर के दरवाजा बंद कोई गिल बा तो यहाँ जरूर कुछ भइल होई, ना तो पुलिस आके न्यायालय के हुकुम से बंद कोई ले बा तो फिर मंदिर के दरवाजा कैसे खुली? हमरा समझ में नहीं क्या आवत। यहाँ तो बहुत बड़ समस्या लागत लाली, हमने जैसन सोचले रही उतना आसानी से दर्शन ना होखी। मास्टरनी जी कहले रही ई मंदिर के दरवाजा 10 साल से बंद बा, माँ के अभिषेक सजावट और पूजा भी नहीं खे भइल, कब्बो आरती भी नहीं खे भइल। मास्टरनी जी कहले रही, तो खुदे सोचा, जरूर संप्रदाय और आचार्य के खातिर ही दरवाजा बंद हुई, हमरा लागता कौनो बड़ समस्या होखी।
अब समस्या के पता लगाए के पड़ी। ये तो हमारो नहीं के समझ में आवत, और जब समस्या ही नहीं के बुझात तो ओकर समाधान कैसे निकली? दरवाजा खोल के हमनी कैसे दर्शन करब? ई काम हमनी से हो सकी का? हो सकेला, हमनी कहब तो जरूर हो सकेला, यही से मास्टरनी जी भेजले बाड़ी। समस्या छोट रहला पे केहू भी उस समस्या के समाधान करा सकेला, यही खातिर हमनी के आईनी। यो सही बात बा, समस्या का बा हमनी कैसे जानब? ई गांव में केकरो से पूछब हम? माँ के पूजा काहे नहीं के होखत, इतना साल से काहे मंदिर के दरवाजा बंद बा, इहो पूछब। उ लोग जवाब दिए तभी समस्या के समाधान निकालल जाए। ठीक बा, हमनी के उसे पूछल जाए। चलो। ई का कहता सूर्यांशु? हाँ गुरु जी, लाली और बंगारी स्वर्णपुर के मंदिर ही गल बाड़े। उ लोग के वहाँ का काम बा? उ लोग क्षेत्र दर्शन पूरा करे खाती ओ क्षेत्र में गल बाड़े। तो यहाँ हमार संयोगिता से शादी करावे पड़ल बड़ा, और वो लोग वहाँ चल गए। समय कैसे साथ दे रहा बा गुरु जी? ना, हमार मंजूरी के बिना कोनो समय साथ ना दियो, कोनो पुण्य स्थल चल जाए कोनो फायदा ना हुई। रउआ इसी चक्र के लालच छोड़ दी गुरु जी। ओकरा के पावल हमार और विरूपाक्ष के जन्म जन्मांतर के सपना बा सूर्यांशु, तो फिर हम कैसे छोड़ सकीला? तो हमरा संयुक्ता दीदी के साथे अन्याय होगी तो हम कैसे तमाशा देख सकीले गुरु जी? सवाल के उल्टा सवाल करबो तो जवाब ना मिली। संयोगिता दीदी के जिंदगी के रहुआ सवाल बना के गांव में छोड़ देनी, वो के छोड़ के भाग गईनी, एकर जवाब ना देव गुरु जी? भीतर बात करके फायदा नहीं है सूर्यांशु, लाली और बंगारी के हम कोनो हाल में पुण्य क्षेत्र ना जाए देवी कह के विरूपाक्ष से हम वादा कैले बानी। ऐसन में तू खाली हाथे काहे वापस आ गईला सूर्यांशु? ओ कनी के अपना साथे काहे ना लीला, ई जवाब दो। काहे कि उ लोग गईल बा स्वर्णपुरी। ओ गांव के नाम लेते हमरा दिल में ज्वालामुखी फटेल आई तरुआ पता बना गुरु जी? बस कर, दोनों जने बस कर, का समझेला तू दोनों खुद के? हम कब से देख रहा बानी बिना सिर पैर के प्रेम प्रसंग और शादी के बात में लड़त बड़ा, श्री चक्र के बारे में केहू बात नहीं के करत, श्री चक्र ना चाहिए। विरूपाक्ष दोनों गईल बने सा स्वर्णपुरी क्षेत्र में। स्वर्णपुरी ओके या धर्मपुरी ओके, ओकरा से तोरा का करे के बा? क्षेत्र के बारे में तू दोनों लड़ाई कर रहा बड़ा, ओकरा से तू लोग के का संबंध बा? सही पूछ रहा बानी, जवाब द। हम का कहनी तू लोग का करत बड़ा? सूर्यांश हम तोरा से का कहले रानी, लाली के यहाँ लेके आवा, कल की के तोर बहन के साथे शादी हुई कहले रानी ना, लेकिन तू अकेले आ गईला, लाली कहाँ बिया? हम ओकर चिंता में परेशान बनी और तोनी दोनों यहाँ जैसे सिर पर आकाश गिर गुल के उसे स्वर्णपुरी क्षेत्र के बात लेके यहाँ बेकार में झगड़ा कर रहा बड़ा। वो लोग उस क्षेत्र में चल जी हैं तब तुम्हारे को काम ना होई। अच्छा, इतना देर से वो क्षेत्र के बारे में तोनी दोनों चर्चा करत बड़ा, वहां से तुम लोग के का संबंध में हम जान सकत बनी का? जवाब द कलकी, जवाब द सूर्यांश, दोनों दोनों ऐसे चुपचाप खड़ा रहा तो हमें कर मतलब का समझी? जवाब दा लोग, दोनों में से केहू हमार सवाल के जवाब तो दा। अरे बंगारी, वो मंदिर के बारे में केकरा से पूछब? यहाँ तक केहू भी नहीं खन देखा। हम सोचले नहीं कि घी से बनल प्रसाद रखे केहू तो आई, बाकी लागता यहाँ केहू नहीं के आवे वाला। हमरा भी ऐसे नहीं लागता। लाली हौक देखो। काली काली महाकाली, काले के पाप हारनी। काली काली महाकाली। भद्रकालिनी कपालिनी महाकाली नमोस्तुते। प्रणाम पंडित जी।
तू लोग के हवा? हम दोनों लोग चक्रपुरी से आयल बानी। हमार नाम लाली है और ये हमार पति बंगारी। हमनी के लक्ष्मी भगवती माँ के दर्शन करे खातिर आयल बानी। तो लोग बहुत दूर से आयल बाड़ा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है तू लोग दर्शन ना कर पाईबा। मंदिर के दरवाजा बंद भैले 10 साल हो गई। इस क्षेत्र के बारे में केहू तू लोग के ना बतौलस? कहले रहले, ये बात हमरा पता बा। 10 साल से माँ के दर्शन और पूजा नहीं के हो रहल बा, ये मालूम बा हमरा के। ये जानला के बाद भी तू लोग उतना दूर से आयल बाड़ा? हाँ पंडित जी, तब भी हमनी आयल बानी। ये मंदिर के दर्शन करे खातिर संकल्प कैले बानी, माँ की सेवा करे खातिर आयल बानी। लेकिन ये गांव में हमनी के पहचान के केहू नहीं के, रहुआ ही हमनी के रास्ता दिखाई। ये बिल्कुल ना हो सकेला बेटी। ऐसा बात मत करी, हमनी के एगो मौका तो दी है। मौका देवे वाला हम के हैं? हमरा लगे अधिकार नहीं है। रहुआ बुजुर्ग बानी, राउर बात उ लोग जरूर मनी है, कृपा करके मना मत करी। हम पहले ही कहनी बेटी, ये काम ना हो सकेला। तू लोग ही गांव के बारे में नहीं खा जानत, अभी ये अपना गांव निकल जा। तू लोग खातिर यह सही रही। ना पंडित जी, हमनी माँ के दर्शन कैले बिना ना जाई। ये इच्छा मन में मत रखिया, ये जन्म में ही ना हो सकेला। ओइसन काहे कहतनी पंडित जी, यहाँ का समस्या बा हमनी की बताई ना। ये जान के तू का कर बा, यहाँ दर्शन ना हो सकेला। तू बस इतना जान लो और अपना गाँव निकल जा। रुकी पंडित जी, हमनी के दर्शन करल जरूरी बा, हमनी के राउर मदद के जरूरत बा। सुना लाली, हमेशा हर गांव में कुछ लफड़ा होखेला, ई बात हम दूसर गांव वाला के ना बता पाई। काहे से कि तू छोट लड़की बाड़ू, उ बात तू ना समझ पाईबू। इंसान के हमेशा समझे वाला बात ही कहे के चाही। जवन ना हो पाए ओके लालच मत रखा, केवल वह सुना जवन सुनला के बाद तू वो काम के पूरा कर सकेलू। आगे तो हार मर्जी। तब मंदिर के दरवाजा खुलवा के पूजा करल और देवी माँ के सेवा करल हाथ में आग रखे के बराबर बा, ये में गलत कहा? बिल्कुल, आगे से कबू नहीं खे खोले के, ऐसे जान के खतरा बा। बेकार के विषय में टांग मत अड़ावा, यहाँ से निकल जा। ई माँ के मंदिर में हमार जान भी जाए तो जाए दी, कौनो डर नहीं खे। काहे जवाब नहीं खा देत पंडित जी? जवाब दी हम ऐसन कौन सवाल कर देनी? मंदिर के दरवाजा खोल के माँ के सेवा करल हमनी के कौनो अपराध बा का? उ अपराध नहीं खे बेटी, स्वर्णपुर के बदनसीबी बा। जब ले उ जिंदा रही तब ले मंदिर के दरवाजा खुलवावल पूजा करवावल सपना बा। अच्छा उ के बा, नाम का है? उ है राक्षसनी, पूरा गांव के अंधकार में ढकेल दे लबिया। ओकरे कारण ही हालत हो गई बा। ओकरा जिंदा रहे तक यहाँ कौनो शुभ कार्य ना हो सकेला, और वो होके भी ना दी। माँ के भूखा रखे वाली पापिन बिया, दरवाजा ना खोले देले, पूजा भी ना करे देले, माँ के अभिषेक भी ना करे देले, प्रसाद भी ना देवे देले। ता ई सब करे वाली उ महिला बिया, उ ई काहे कैले बाड़ी? हाँ, लेकिन उ महिला के बिया? ओकरा से ई मंदिर के का संबंध बा? काहे खातिर दरवाजा खोले से रोकेली, और रउआ लोग ओकर बात काहे मानेली? तुम्हारा सामने असहाय बानी माँ, हमार परिवार के अच्छाई
न्याय अन्याय के बारे में हम कुछ नहीं जानत और ना ही जानब और ना जाने चाहता नहीं। हमके हमार परिवार के खुशी चाहिए बस। हमके बस इकरे बारे में सोचे के शक्ति बा। हमार परिवार बहुत गरीब है माँ। दुख होके चाहे सुख होके हमने की जिंदगी ऐसे ही चलत रहेला। हमार परिवार ही हमार दुनिया बा। इससे ज्यादा हम कुछ ना सोचे नहीं। सुंदरी छोड़ के चल गली पर माँ तू हमके लाली के रूप में वो दूसर बेटी दे देलू। लाली के वजह से आज हम हमार परिवार बहुत ही खुशी से जी रहल बड़े माँ। हमार पति बहुत ही अच्छा इंसान हवे लेकिन वो हमरा से कुछ न कुछ छुपा रहल बड़े। वो काबा हमके समझ में नहीं आवत। अब हम का करी माँ। उनका से बहुत बार पूछ लेनी। हम सुनीता से भी पूछनी लेकिन वो ना बतावत रही। हमने क्या अपन भूख मिटावे खातिर पूरा जिंदगी रोटी सब्जी में गुजार देनी। तैसन गरीब का कर सकेले माँ। लाली हमरा सामने रहले तो हमार मन में बहुत खुशी होखेला और जब लाली हमरा सामने ना रहले तो हमार हाथ पैर काम ना करेला। लड़की से अलग रहे के शक्ति हमरा में नहीं खे माँ। लाली जब से घर से तीर्थ दर्शन कर गई बड़ी उनके ओहिजा खतरा बाई बात सोच के हमके डर लगा था माँ। लाली और बंगारी मंदिर के दर्शन करके जल्दी घरे आ जास ऐसे हम विनती करता नी माँ। राउर आशीर्वाद दया हमार परिवार पे हमेशा खातिर रहे के चाही माँ। हमार परिवार के रक्षा करब। पंडित जी उ के बा मंदिर के दरवाजा खोले से पूजा करे से काहे रोके ले हो। कृपा करके बताई ना ओके हमरा के दिखाई हम जाके बात करतानी। ये पुण्य स्थल से ओकर का संबंध बा। हम रउआ से सवाल करतानी कृपा करके जवाब दीही। कृपा करके बताई ये पुण्य स्थल की कहानी का बा। जवाब दीही पंडित जी हमार सवाल के जवाब काहे छुपा रहल बानी। उ के बा ये जगह के कहानी का बा। कहानी ना बेटी एक बेर समझाइला में ना समझेलू का। तू लोग यहाँ काहे आइल बड़ा दर्शन करे खातिर। ई ना हो सकेला जानला के बाद भी काहे तंग करत बड़ा लोग। निकला यहाँ से। बड़ा देर से हमनी रुआ से विनती करतनी हमनी के सहायता कर दी ना। कृपा करके हमनी के जाए के मत कही। दर्शन कइले बिना हमनी यहाँ से ना जाए। दर्शन 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 एकरा के छोड़ के कुछ ना समझ में आवेला। 10 साल से हमनी सब गांव वाला दर्शन करे से वंचित बानी। सच कही तो मंदिर के अंदर भगवान कैसन होकी ये भी नहीं की जानत। जब ऐसन कुछ बा तो हम दर्शन करे में मदद कैसे करब। काहे मंदिर ना खुली और हमके काहे दर्शन ना मिली बताई। वो खातिर ना मानी। लेकिन वो मतलब के बा उई गांव के मालकिन बाड़ी की महारानी वो काहे दर्शन के अनुमति ना दी। ई गांव के मंदिर के दरवाजा बंद करवावे के का संबंध बा। रउआ काहे उनका नाम लेवे से मना करता नी। हम ओकरा बारे में कुछ नहीं की बात कल चाहत। हमसे ओकरा बारे में मत पूछ लो। ना पूछ मतलब का पंडित जी रउआ बतावे के पड़ी। बिना दर्शन के लिए हमनी ना जाई। तब तू लोग गाँव में ही रहा हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। रउआ जवाब देवे के पड़ी पंडित जी। ई गांव के मंदिर खुलवा के माँ के पूजा करके सेवा करने के बाद ही हमनी के निकलब। ई पुण्य स्थल के कहानी का बा हमरा जानल जरूरी बा। समझाओ तनी बेटे सब कुछ हम अच्छा से समझाओ तनी। तू लोग उके ही ओकरा बारे में जाने से पहले इस क्षेत्र के इतिहास का बा ई जान लो। बताई पंडित जी ई पुण्य स्थल की कहानी काहे माँ की पूजा नहीं के होकर। ए गांव के बदनसीबी कह सकलु बेटी। ए गांव के दो संप्रदाय के झगड़ा में
बहुत लोग बलि चढ़ गए बेटी, ई 600 साल से चलता रहल बा। अच्छा, दू संप्रदाय के झगड़ा, कौन संप्रदाय हो और काहे झगड़ा करेलन? वैष्णव और शिव भक्त के बीच झगड़ा होत बा। ई दोनों संप्रदाय के लोग अपन जिद खातिर झगड़ा करत बाड़े। ई माँ हमार है वैष्णव कहता रे, शिव भक्त आपन कहत बाड़े, यही पर लड़ाई बा। ऊ माँ के अलग करल चाहत बाड़े ई बुरा सोच के वजह से। आज पूरा गांव में अंधेरा छा गई बा। ई स्वर्णपुर क्षेत्र हा। इस क्षेत्र में माँ लक्ष्मी भवानी निवास करेली और ई लक्ष्मी पार्वती के संगम हा। ई दुनिया में जाति भेद, बड़ लोग छोट लोग, ई सब कुल ना रहे के चाहिए। सब केहू जगत माता के बच्चा, झगड़ा ना करे के चाहिए। यह बात के साबित करे खातिर उस सर्वशक्ति माता भगवती लक्ष्मी, लक्ष्मी और भगवती के संगम बना के इतना साल से यहाँ रह रहल बाड़ी। लेकिन इंसान के ही समझे के चाहिए, उनकर जितना दुष्टता बढ़ गई बा, भगवान के शक्ति के महत्व के भूल के ये इंसान सोचा था कि ओकरा वजह से दुनिया घूमता। माँ तो सबकर होखे के चाहिए, लेकिन उनकर जीत बा कि माँ हमार है। ऐसे कुछ लोग यह बात के लेके लड़ाई कर रहल बाड़े। उमा सब केहू खातिर बराबर ही बाड़ी, पता न कब समझ आई। ऐसे पिछला 600 साल से ऐसा चल रहल बा। यही लड़ाई के वजह से हमनी सबके माँ जगत माता के, माता लक्ष्मी पार्वती के भूखे रहे के पड़ रहल बा। अभी भी इनका लड़ाई रुकल नहीं है। ई लोग के एकता बनावे खातिर उमा ई लोग के हजार गो मौका देहली, लेकिन ई लोग लड़ाई करे खातिर, अलग रहे खातिर हजार गो मौका ढूंढ रहल बाड़े। इंसान जैसा नैखन रह रहा, अपना हठ पर अड़ल बाड़े। तू लोग माना चाहे मत माना, ई लोग के हठ के हद कहाँ तक पहुँच गई बा जानत बाड़ा? मंदिर के दरवाजा के ई लोग दुख भाग कर दिले। एगो दरवाजा से शिव भक्त और दूसरा दरवाजा से वैष्णव भक्त दर्शन करे लगले। ऊ लोग माँ के भक्ति से ज्यादा हठ पर ध्यान देते रहले। ऊ लोग के अपन संप्रदाय के बड़ा बनावे के रहे। आपस में लड़ाई, अलग पूजा कैल, वापस लड़ाई। लेकिन 10 साल पहले बहुत बड़ घटना घटल, ना घटे वाला घटना घटल रहे। वो घटना के बाद ये मंदिर हमेशा खातिर बंद हो गई। वो दिन बंद भई, आज तक नहीं के खुलल, खुलवावे के कोनो मौका ना मिलल। का हो गए विरूपाक्ष शास्त्री जी, आसमान माथा पर गिर गल बा, ऐसे खड़ा बानी का भइल? बोली केहू से कोनो दिक्कत बा का? बोली शास्त्री जी, ऐसे रोला के का कारण बा? बच्चा के तरह फूट फूट के रो रहल बानी, ई रोवे के उम्र बा राउर? का कहला बच्चा जैसन रोत बानी? मन में जब दर्द होला ना तो उम्र के ख्याल ना रहेला, दर्द सहन ना होला तो रोवे के पड़ेला। ओइसे ही दर्द आज हमार मन में बा। हम रउआ से पहले सवाल कैले बानी,
राउर मन दुखी बा ऐसन का भइल रहे। मन में दर्द रहे, हमार मन में दर्द रहे, तू कबो ध्यान देवे के कोशिश कैला का? जब भी मौका मिलेला हमरा पर कटाक्ष करके मारत रहेला। हमार किस्मत ऐसन बा, हमार केहू नहीं खे जेकरा अपन समझत बानी वो धोखा दे रहल बाड़े, धोखा दे रहल बाड़े सब लोग। रउआ के बेवकूफ बना रहल बा? केकरा कहीं चंदन, केकरा कहीं? हमार आराध्य देवी त्रिपुर सुंदरी जेकर हम इतना पूजा करेला वो धोखा दे रहल बाड़ी, और हमार अपन बेटा चंदन भी हमरा धोखा दे रहल बा। हम रउआ कब बेवकूफ बनेनी? तू हमरा धोखा नहीं खा दे ले? श्री चक्र के मिटावे खातिर अपन दुष्ट शक्ति के प्रयोग करके सबके यहाँ जमाना कैल, लेकिन लेकिन उस श्री चक्र के मिटावे खातिर, श्री चक्र के बीजाक्षर के बाहर लाके इकट्ठा करे खातिर ही सब हो रहा बा बेटा। ये धोखा नहीं खेका? हमार जिगरी दोस्त कलकी हमरा कहला पर एगो छोट काम करे खातिर तैयार नहीं किया, रोकर शिष्य सूर्यांश हमार माथा पर सवार हो गई बाबू। अब बतावा हम का करी? हमरा दुखी देख के तो खुश हो रहा बाड़ा, तो हम का करी? हमार केहू नहीं खे, हम अकेले शैतान बानी का? केहू हमार साथ देवे वाला नहीं खे? तोके हमार तकलीफ दुख दे रहल बा का? हम अपना आप पर भी भरोसा नहीं की कर पाओ चंदन, हमार मन में कितना दर्द बाई समझा? हमरा देख के तू नफरत करत बाड़ा, अगर तोरा हमरा से सच में प्यार होके तो हम धन्य हो जाती चंदन, ए बाप के जीवन सार्थक हो जाए चंदन, सार्थक हो जाए। वीरूपाक शास्त्री जी, हमरा मन में रउआ खातिर हमेशा प्रेम बा, लेकिन हम रउआ प्यार खातिर तड़पल बानी, लेकिन रउआ हमार जरूरत ना रहे, हम रउआ के छोड़ के ना गईनी, रउआ ही हमके अलग भेज देनी। रउआ बेटा के प्यार से राउर स्वार्थ और जिद रउआ खातिर जरूरी रहे, हम हर रोज हर समय बाप के प्यार खातिर तड़पल बानी, लेकिन रउआ मन में अपन बेटा खातिर तनिक भी प्यार पैदा ना भइल। हमार आंसू बह बह के सब सूख गई, लेकिन रउआ ओके पोछे खातिर ना आईनी। छोड़ी पुरान बात करके अभी का फायदा बा, हमरा राउर प्यार ना मिला, जब इतना साल हम निकाल लेनी तो अब पावे से का फायदा बा? एगो बाप होके रउआ अपन कर्तव्य भूल गई नी, लेकिन बेटा होके हम अपन कर्तव्य ना भुलाई। बचपन में हमरा लागल कि हमार केहू नहीं खे, हम अनाथ बानी, ऐसा ही हम बड़ हो गई नी। यही से कहल जला शास्त्री जी, काल आए दसमई नमः, माथा पर डालल पानी पैर पर जरूर आई। वो समय जौन भइल रहे हमके जन्म देके रउआ दूर कर देहनी, जैसे रउआ हमार बाप ही ना, हमरा रउआ से नाराजगी दुश्मनी में बदल सकेला,
लेकिन अगर तीसरा टांग अड़ाई तो हमनी दोनों एक ही बानी। चिंता मत करी रउआ साथे और बेटा बा, हम जाना तानी रउआ वो कल की से दिक्कत भइल बा, बताई हमके उ का कैलस। हमें जानला के बाद उ कल की के सही रास्ता पर ले आई, चली हमरा साथे। दस साल पहले का भइल रहे, कौन घटना भइल रहे पंडित जी? वो बहुत बड़ घटना बा बेटी, हम पहले ही कहनी। वैष्णव कहस कि उनकर पंडित ही मंदिर में पूजा करी है, शिव भक्त कहस उनकर पंडित मंदिर में पूजा करी है, ई बात के लेके रोज लड़ाई होखे लागल। वो दिन गांव में उत्सव रहे, उत्सव में काफी भीड़ रहे, वैष्णव के पंडित हरिदास कुलकर्णी मंदिर के खास पंडित बन के मंदिर में पूजा करत रहले। ये बात शिव भक्त के पसंद ना आए, शिव भक्त के पंडित भुजंग जी गुस्सा पर काबू ना कर पाए और उत्सव के मूर्ति के पास रखल त्रिशूल लेके हरिदास कुलकर्णी के हत्या कर देले। दास कुलकर्णी जी उत्सव के बीच ही ज्यादा खून बहला से मर गई है, मंदिर के प्रांगण में ही उनकर जान निकल गई। ओकरा बाद पुलिस आके भुजंग जी के जेल में डाल देहलस। ओकरा बाद वो आखिरी दिन रहे, ओकरा बाद मंदिर ना खुलल, मंदिर बंद करवा दिया गए, 10 साल हो गए। मंदिर में झगड़ा करके केहू के हत्या कइल गलत बा, लेकिन पंडित जी एक बात बताई, ई सब से मंदिर के दरवाजा बंद करावे के का संबंध बा? संबंध बा बेटी, संबंध बा। हत्या भइल त मंदिर के साफ करके होम करके वापस पूजा कइल जा सकत रहे, मंदिर में हर साल होके वाला उत्सव मनावे के चाहत रहे। लेकिन राउर बात अजीब लागता, एगो हत्या होके से मंदिर के बंद कइल, ई त मां खातिर अन्याय बा। हाँ, ऐसा कहीं गलत बा, लेकिन हमरा लगे कौनो रास्ता नहीं। रास्ता नहीं के मतलब केहू मंदिर के दरवाजा खोले में और माँ के सेवा करे खातिर केहू मना करता? हाँ, मंदिर के दरवाजा खोले से मना कर दी उनके कारण भाई। खाली ऊ करत बाड़ा के हऊ, मंदिर के दरवाजा खोले में हम काहे उनकर आज्ञा मांगब? उनकर आज्ञा जरूरी बा, ऊ का ई गाँव के महारानी या मालकिन बाड़ी। हम इहवा कुछ ना कर पाई, ऐसे हमार हाथ बांध के बैठा दे बाड़ी। वैसे सच कही तो उई गांव के जमींदार नहीं है। उनकरा के केहू हो खेदा, हम जाके बात करता नहीं। उनका के बुलाई, माँ के पूजा करे से वो काहे रोकत बाड़ी हमो देखता नहीं। बुलाई उनका के।